हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं नेचर एक्सप्लोरर डैश एनजे। चलिए आज ले चलता हूँ घिनौची फॉल, जो रीवा में स्थित है। रीवा से करीबन 35 किलोमीटर सिरमौर है, सिरमौर से 15 किलोमीटर आगे घिनौची फॉल है, वहाँ ले चलते हैं। बहुत अच्छा स्थल है, बहुत इंजॉय करेंगे। चलिए फिर वहाँ ले चलते हैं। ये वही रोड है जब केवटी जाते समय पड़ा हुआ था, और के आगे ही घिनौची फॉल है। वहीं चल के आपको पूरी नज़ारे, पूरे सीन आपको दिखाते हैं। एक से ये मैं अभी सिरमौर पहुँच गया। घिनौची का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो ये अपन को सिरमौर से सीधे घाटी शुरू होने के पहले ही राइट हैंड साइड में घिनौची फॉल है। नंबर का सीन आ रहा है पूरा, मतलब बहुत ही शानदार लग रहा है। बहुत अभी आप घिनौची के मोड़ पे हैं। टर्निंग अपन ले लिया था और बोर्ड लगा हुआ था रोड के उस पार, एरो का निशान इधर था। अब यहाँ से हम लोग मुड़ गए और यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर। चारों तरफ जंगल ही जंगल। अपन घिनौची फॉल पहुंच गए हैं और यहाँ देखते हैं नज़ारे, कितने अच्छे नज़ारे हैं, क्या है, कैसे हैं। ये देखिए घिनौची का एक गेट से अंदर जाने का रास्ता है, पैदल जाना पड़ता है। अभी सिक्योरिटी गार्ड ने हमसे पैसा लिया है टिकट काउंटर के हिसाब से अंदर तक। नीचे फॉल है, थोड़ा सा चलना पड़ता है, लेकिन बहुत सुंदर नज़ारे हैं। बहुत मज़ा आएगा और जा रहे हैं, बहुत गर्मी भी है और हमारे फ्रेंड भी हैं सूरज भैया, तो लगे हुए हैं हम लोग। चलिए नीचे तक चल के फिर से दिखाते हैं आपको थोड़ी। ये पब्लिक के जाने के लिए जो रोड है, थोड़ा बहुत इसको भी सुधार कर देते तो मज़ा ही आ जाता। अब ये अपन लोग नीचे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सीढ़ी है, वही बस तो बनी है, बाकी सब बेकार है। अभी वहाँ तक हम लोग को जाना है नीचे तक। और यहाँ का सीन देखिए, एकदम पचमढ़ी जैसा ही सीन है, बहुत सुकून भरा। ये घिनौची की वाटरफॉल है, इतना शानदार वाटरफॉल है देखिए। और यहाँ आइएगा तो दिन को ही आइएगा, ज़्यादा रात नहीं करना है, लौटने पहले रात होने पहले ही निकल जाइएगा यहाँ से। और ये पूरा जंगल के अंदर है। कितना सुंदर है, और ये पूरा पहाड़ों से लगा हुआ है, काफ़ी पहाड़ जुड़े हुए हैं आपस में। बहुत शानदार, पूरी ग्रीन हरियाली, पूरा पूरा मस्त सा नज़ारे, पूरा पेड़ पौधे लगे हुए, और ये पूरा घिनौची का पहाड़ है। नज़ारे तो अच्छे हैं यार, लेकिन पता नहीं काहे लोग गंदगी फैलाते रहते हैं, बहुत कचरा। जितना सुकून भरा नज़ारा है ना, ये धीरे धीरे खो जाएगा यही प्लास्टिक की वजह से। बहुत मस्त, बहुत ट्रैकिंग था, थक गए यार, और ऊपर ले जा रहा है भाई मेरा। अरे ऊपर गंदगी भी है, यहाँ तो सुकून कहाँ मिल पाएगा। फिर जहाँ तक मंदिर है वहाँ तक अच्छा है, उसके बाद कोई मतलब की नहीं है ट्रैकिंग। पत्थर ही पत्थर है,
थक जाता है इंसान। और मैं आज स्लीपर पहन के आया, क्या बताऊँ, शूज पहन के आना चाहिए। ये मंदिर है छोटी सी, उसके बगल में ये पानी गिरता है, इसको घनौसी का फॉल इसीलिए बोलते हैं। झरना ये है, सुंदर सा नज़ारा। ये घनौसी के बहुत सुंदर नज़ारे हैं, मस्त। इतनी लंबी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तो भाई लोग अगर चैनल में नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि नए लोकेशन में तब भी हम लोग जाएं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। ये सब चीज़ों को लगना था और ये भोलेनाथ की मंदिर बनी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सफाई नहीं है, इतना कचरा है, कोई सफाई नहीं है। और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ तो अच्छा है, सुकून जैसी जगह है, लेकिन ये गंदगी है। और तब भगवान को बनाया गया तो इसको पूरा क्यों नहीं किया गया, और ये पूरा बांस पड़ा हुआ है ऐसी टर, ये बनना था लेकिन अभी तक कुछ बना नहीं। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं चचाई फॉल, उसको भी देख लीजिए। और ये सब दोनों चीज़ें एक ही ब्लॉग में रहेगा, और जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और बेल आइकन ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मैं कहीं भी जाऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा और नए नए प्लेस की पिक और हर चीज़ मतलब मिलती रहेंगी, ताकि आपको भी कुछ जो YouTube में मिस कर गए हों तो Instagram में आपको मिल जाएगा। और झकार सी सीन एकदम तृप्ति हो जाएगी ऐसे जीवन पे, ऐसा नेचर, खुशी के मारे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा ही चलता रहेगा, अपना साथ लगा रहेगा और सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई का, ऐसे ही लोग आते रहेंगे ऐसे ही। अभी तो MP का पूरा करना है अपन को, MP के अभी तो 3 फॉल तो आपको दिखा चुके हैं, अभी चौथा आज दिखा रहा हूँ, अब ये चचाई फॉल भी दिखा देता हूँ, आप खुशी से देखिए। और जो भी कमी हो तो कमेंट में आप बता दीजिएगा मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे से कुछ कमी हुई तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको और सुधारूँगा। चचाई वाटरफॉल का रास्ता है ये, अपन यहाँ से मुड़ जाएंगे और यहाँ का भी नज़ारे आपको दिखाते हैं मैं। और भी सावधान, ये देखिए बना हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, बहुत दूर तक ना जाएं, ताकि कुछ घटना होने से पहले आप सावधान हो जाएं। ये है चचाई वाटरफॉल, कितना शानदार है, बहुत अच्छा लोकेशन है। खैर, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक है, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही अपन एक से एक वीडियो बनाते रहेंगे, नए से नए प्लेस आपको दिखाते रहेंगे, आप ऐसे ही बने रहिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं रीवा की ओर।